ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फेस टुडे न्यूज। सब नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या पार्टी का क्या नगर निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है लगातार। करीब 400-450 के लगभग अब आवेदन आ चुके हैं 90 सीटों पे, और हम यहाँ 6 तारीख से 15 तक आवेदन लिए जाएंगे। इसलिए हम और महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी सब लोग हमारे पदाधिकारीगण यहाँ रोज बैठ के आवेदन देते हैं जी। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेयर कैंडिडेट को लेकर पार्टी की क्या नहीं, मेयर कैंडिडेट के लिए एक समिति बनी हुई है जिसमें विधायक हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रत्येक महानगर के लिए बनाई है जहाँ मेयर का चुनाव होता है। वो आए, 2 दफे आ चुके, उन्हें नाम सजेस्ट कर दिए, वो पैनल भेज चुके हैं, वहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे किसे लड़ाना है। जिस तरह से सामने आ रहा है कि सुनीता वर्मा जी पार्टी ज्वाइन कर गई हैं, तो एक बार फिर से क्या वो फिर चुनाव लड़ सकती हैं मेयर के लिए? अब ये हम नहीं बता सकते कि कई कैंडिडेट हैं, उनमें सुनीता वर्मा और योगेश वर्मा का भी नाम है। अगर SC सीट होती है तो उनका भी पैनल में नाम गया है, बाकी किसका तय होगा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने। आज हमने 553वां जन्मदिन जयंती मनाई है नानक देव जी की, गुरु नानक देव जी की, उसके लिए सब लोग आए थे और भी बहुत लोग चले गए। ठीक, ये तो नहीं आपसे कुछ बात करेंगे। मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कुछ लोगों का कहना है कि सुनीता वर्मा या उसको इनको टिकट हो सकता है, तो और पहले से पार्टी के पास और कैंडिडेट भी हैं, तो इस तरह से पार्टी में कोई नाराजगी का वो नहीं पैदा होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, एक कमेटी बनाई गई है, उनको नाम दे दिए जो जो चुनाव लड़ना चाहता है मेयर का, क्योंकि अभी आरक्षण नहीं है। अभी पहले आरक्षण होगा कि सीट जनरल में जाएगी, SC में जाएगी, OBC में, तो उसी तरीके से हमने भेज दिया, फिर जो पार्टी हाई कमान तय करेगी फिर उसको हम लड़ाएंगे। अच्छा, अगर जनरल में जाती है तो फिर भेज दिया वो जैसे होगा। हाँ, अभी टाइम में जैसे होगा, कुछ अमेंडमेंट होगा उसको फिर बाद में कर लेंगे। अच्छा, वार्डो को लेकर भी बड़ी तनातनी दिखाई दे रही है, कैंडिडेट बहुत सारे हो रहे हैं, तो उसके लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। हमने ये तय किया है कि हम 15 तारीख तक आवेदन लेंगे सब लोगों के, और 15 के बाद फिर हम सर्वे कराएंगे आपको तमाम जानकारी। तो जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको हम कैंडिडेट उम्मीदवार बनाएंगे और पार्टी का जिता के लाएंगे। हम ये चाहेंगे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी के पार्षद जीत के आए। धन्यवाद। शुरू नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां सरगर्मियां तेज हो गई हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने कैंडिडेट्स को चुनना शुरू कर रही हैं, वहीं समाजवादी दफ्तर में भी इसकी गूंज दिखाई देने रही है, और यहां पर भी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष मौजूद हैं और सभी कैंडिडेट से जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके आवेदन पत्र ले रहे हैं, और हर वार्ड से देखने में आ रहा है कि कई कई कैंडिडेट्स हैं जो लड़ना चाहते हैं, तो उनका चुनाव वो जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष करेंगे और उसके बाद ही उनको टिकट दिया जाएगा। फिर न्यूज के लिए मैं शाविद हुसैन जैदी।